लोगों में महंगाई की मार लगातार बढ़ रही थी, लेकिन दीपावली के आते आते केंद्र सरकार ने भी कुछ जो पेट्रोल और डीजल था उन पर पैसे कम किए, उसके अलावा यूपी गवर्नमेंट ने भी पैसे कम किए, लेकिन इन तमाम जो रेट्स कम हुए हैं उस चीज़ को भी लेकर के और महंगाई को लेकर के आज हम एक बार फिर पहुंचे हैं मेरठ के दिल्ली रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर। यहां लोगों से बात करेंगे आखिर के उनकी क्या राय है, क्या वो सोचते हैं जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम थे उन पर हालांकि कमी भी आई है। कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? चंद्रमान है जी मेरा नाम। ये बताइए आप पेट्रोल डालने आए यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा क्या रेट चल रहा है अभी, पता है आपको? नहीं मुझे मालूम, मालूम ही नहीं है अभी जब दिवाली से, अब तक तो घटा है ना? हाँ घटा है। क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर? कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? मैं तो 100 रुपए बिक जा। अच्छा ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला होता है, जिसको 100 का डलवाना है उसको 100 का डलवाना है, चाहे पेट्रोल 110 रुपए लीटर हो जाए या 90 रुपए लीटर हो जाए, डजंट मैटर। अच्छा क्या नाम है अंकल आपका? मेरा संदीप कुमार नाम है जी। आप पेट्रोल लेने आए? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कितने को चल रहा है पेट्रोल, पता है कुछ? ना भाई नहीं पता। कितने को चल रहा है? नहीं पता ना। अच्छा आप कितना डलवाते हैं अमूमन, डेली डलवाते हैं या कई कई दिन में डलवाते? मतलब हफ्ते में एक दिन 200 रुपए का डलवाते। 200 डलवाना है? गाड़ी कितनी चले चाहे? नहीं मतलब खत्म हो जाता है इतना। अच्छा आपका क्या नाम है? अंशुल। अंशुल कितने चल रहा है पेट्रोल? पेट्रोल चल रहा है जो अब गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी जो कम करी है 5 रुपए करी है, तो 95.01 है। वो तो केंद्र ने भी घटाया है। केंद्र ने घटाया और यूपी ने वैट ने भी घटाया है, तो हिसाब से सही है, 7 रुपए के करीब मेरे ख्याल से पेट्रोल कम हुआ। अच्छा क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल के दामों को लेकर, पूर्व में भी तेजी आई थी और अब थोड़ा कम हुआ है? अब मतलब थोड़ी राहत तो मिलेगी, थोड़ी राहत तो मिलेगी जिसको है, लेकिन पर डे के हिसाब से जैसे हम लोग हैं तो पर डे वही 100 रुपए का तेल डलवाते हैं जो 2-1 दिन तक कम करता है, लेकिन इस बार को क्वांटिटी को देखते हुए तो थोड़ी राहत तो मिलेगी। महंगाई से कितना फर्क आप लोगों पर पड़ता है? देखो मीडियम क्लास वाले को तो पड़ता ही है, एक तो कोरोना की मार ने और पढ़ाई तो है ही, फर्क थोड़ा सा इससे राहत तो मिलेगी क्योंकि हमारा जो इंडिया का है वो ट्रांसपोर्टेशन पे ही है, कुछ भी चीज़ लेके आनी है तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही आनी है, कि हम इधर से ले रहे हैं, हम भी कुछ चीज़ लेने जा रहे हैं या हम यहाँ से बेगमपुर भी जा रहे हैं तो ऑटो में ही बैठ के जा रहे हैं, ऑटो का भी किराया 10 रुपीज़ हो गया, तो मतलब उस पर फर्क तो पड़ेगा हर चीज़ का। ये बेशक ये जाहिर बात है कि ट्रांसपोर्टेशन होता है डीजल पेट्रोल से, और ट्रांसपोर्ट नगर के सामने हम हैं, कोई भी सामान अगर खरीदेंगे तो सबसे पहले जो बंदा है, जो दुकानदार है, जो सेलर, वो कहता है कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, अगर आपको गाड़ी के पहिए में भी हवा भरवानी है तो 5 रुपये महंगी हो गई है, क्योंकि जो उसका इंजन चलता है वो डीजल से चलता है और उसी के चलते महंगाई हुई है। हालांकि इसका फर्क तो पड़ता है, लेकिन मेरे साथ जो लोग हैं इनसे जानने की कोशिश कर लेता हूँ कि कितना फर्क वो मानते हैं, कितना फर्क मानते हैं डीजल पेट्रोल को लेकर। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन कुमार है जी। नितिन जी ये बताइए डीजल पेट्रोल के दामों में घटे तो है, पहले महंगा था, क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या व्यू है इस पर? ठीक है, हम लोग तो मंथ में 1 या 2 बार आते हैं, आपको पता है हमारा लगभग 1000 रुपये का होता है, तो अभी थोड़ी राहत है, ये लगभग 106 रुपये के आसपास पहुँच गया था, अभी हमें कल पता लगा कि 100 से कम हो गया है, 95 के आसपास हो गया है, तो सोचा चलो ठीक है बाद में भी डलवाना अभी डलवा लें, क्योंकि पता नहीं है कि घटाती कम है गवर्नमेंट जो है और बढ़ाती ज़्यादा है। 10 रुपये बढ़ाए और 8 रुपये घटा दिए, लोगों को लगता है कि लॉलीपॉप मिल गया अब मज़ा आ गया है। हाँ जी हाँ जी, ऐसा ही होता है कि एक बार घटा दिया, अब अभी आगे देखना आने वाले टाइम में हो सकता है 15 रुपये बढ़ जाएँ या 20 बढ़ जाएँ, कुछ नहीं पता, अभी पता लगा है 10 बढ़ गए कम हो गए तो हम डलवाने के लिए आ गए। लोगों का भी ये मानना है कि कम से कम पेट्रोल के दाम 80 रुपये होने चाहिए, जिसके चलते लोग भविष्य में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आसानी से जी सकेंगे। अपने सहयोगी समीर के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया मेरठ। पेट्रोल पंप पर, यहाँ पर पेट्रोल पंप पर सभी लोग आए हुए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, इनसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितना सस्ता पेट्रोल हुआ है, और यहाँ पर सबसे पहले इनसे पूछना चाहेंगे क्या नाम है आपका? शानुवार सिंह। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल कितना पेट्रोल डलवाया? अरे पेट्रोल तो भाई अभी हमने 150 का डलाया है, मगर फिर भी कोई राहत नहीं है, राहत होनी चाहिए पेट्रोल। 5 रुपये तो कम किए गए पेट्रोल पे, डीजल 5 रुपये में भाई क्या होता है आज के दौर में, तो इंसान तो पान गुटखा खा के थूक देता है, 5 रुपये में क्या होता है, कम से कम 50 रुपये का डिस्काउंट होना चाहिए। मानते हैं 50 रुपये पेट्रोल 50 रुपये लगता है, 50 रुपये कर पाएंगे सरकार? अब देखिए उनका पद है, उनकी सरकार है, वो जो चाहे वो करना चाहे। आपने कितने पेट्रोल डलाया? 150 का डलाया। रोज़ कितने पेट्रोल डलवाते? अरे 200-300 का तो डला देते। पहले कितना डलवाते थे?
पहले भी 200-250 करोड़ लगाते थे मिस्त्री पहले में, और अब में कितना फर्क है? बहुत फर्क है, आदमी मरा जा रहा है इंसान, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि क्या कर सकते हैं। तो मान रहे हैं कि मतलब सरकार महंगाई पे कुछ नहीं लगा पा रही? महंगाई पे तो रोक नहीं लगा पा रही है, बस क्या कर सकते हैं, सरकार का जो फैसला होगा वो तो मानना ही पड़ेगा। तो ये थी आज की प्रतिक्रिया, लखनऊ से विवेक के साथ दानिशवार सिंह, न्यूज़ 1 इंडिया के लिए। पर पैसे अब कम हो रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? एक बार बताओ सर, अगर कोई 70 रुपये बढ़ा दे 40 रुपये, उसके बाद 10 रुपये कम कर दे, तो ये तो अभी भी जाती है ना, या तो हमें वही दाम दे दो जो पहले थे, उसमें भी खुश है। कितने कितने होने चाहिए आपके हिसाब? मेरे हिसाब से जाए 70 रुपये या 65 रुपये, जो चल रहा था अपना। वो तो 7 साल पुराना है, तो वही दे दो, हमें वही चाहिए, होना चाहिए, हमें वही चाहिए। इस वक्त हमारे साथ पेट्रोल पंप के मैनेजर भी मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, पेट्रोल पर लगातार पैसे कम हो रहे हैं, डीजल पर भी पैसे कम हो रहे हैं जी। तो लोगों में जो ग्राहक आपके पास आ रहे हैं, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? उत्साह बहुत अच्छा है, वो फील कर रहे हैं कि जो ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे उनको 1 लीटर में, अब वो 10-11 से लेके 12 रुपये तक की रेंज में कम हुआ है। बहुत खुशी का माहौल है, और हम भी यही चाहते हैं कि रेट अच्छे एक निमित में हो जाए, ताकि कस्टमर को दिक्कत ना हो किसी को। अच्छा, लगभग कितने रुपए कम हो गए हैं, अगर पावर पेट्रोल की बात करें और नॉर्मल पेट्रोल की बात करें तो लगभग कितने हो गए? पावर और पेट्रोल दोनों में लगभग 11 से 12 रुपये के बीच का डिफरेंस आया है, जो काफ़ी हद तक ठीक है। डीलरों को तो नुकसान है ही, बट ठीक है, जो भी है गवर्नमेंट कर रही है सही कर रही है अपने हिसाब से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर लोगों की बात की जाए, हालांकि पैसे कम हुए हैं, लेकिन लोगों को जितनी उम्मीद थी उतने पैसे पेट्रोल और डीजल पर कम नहीं हुए हैं। हालांकि लोग इस फैसले से खुश भी हैं, और कुछ लोग अपनी नाराज़गी भी जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह से पेट्रोल पर पैसे कम होने थे उस तरह से नहीं हुए हैं। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।